अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, सियासी एतराज़ात, सिक्योरिटी खदशात और MQM के बायकॉट के बावजूद कराची और हैदराबाद में आज बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं। गिनती के बाद गैर सरकारी गैर हतमी नतज आ रहे हैं। ये सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का आज दूसरा मरला था। पहला मरला जून में हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ सीटें जीत चुकी है। GDA दूसरे नंबर पर और PTI तीसरे नंबर पर रही थी। आज दूसरे मरहले में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा ही भारी नज़र आ रहा है। अक्सर सीटें पीपल्स पार्टी के जियालत जीत चुके हैं। आज पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। इक्का दुक्का नाखुशगवार वाक़यात हुए, मगर इलेक्शन डे पर ये सब यहाँ होना एक मामूल की बात है। MQM का नया इतिहाद, जो कि यहाँ सियासी तौर पर सबसे बड़ी ताकत हो सकता था, उन्होंने हल्का बंदियों से मुतमईन ना होकर रात गए इस इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन से पहले ही धांधली हो चुकी है, इसलिए हम इलेक्शन से अलग हो रहे हैं। MQM बल्दियाती इंतखाबात में कम वोटिंग टर्नआउट को अपनी मौकफ़ की फतह करार दे रही है। क्या कह रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ज़रा देखिए। आज के टर्नआउट ने बताया है कि बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उन तमाम जमातों के लिए भी जिन्होंने इन शहरों के जज्बात, उनके मफादात, जमहूरियत और इंसाफ और शफाफ ईमानदाराना इलेक्शन के खिलाफ जाकर अपनी अपनी सियासत को बचाने की, अपनी अपनी जमाती मफाद को बचाने की कोशिश की है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हल्का बंदियों के इशू को लेकर MQM के साथ खड़े भी नज़र आए, लेकिन फिर इलेक्शन के बॉयकॉट पर उन्होंने अफसोस भी किया। दूसरी तरफ जमात इस्लामी और PTI का ये मानना है कि MQM इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर मैदान छोड़कर भागी है। क्या एक बड़ी सियासी जमात के इलेक्शन के अमल से अलग होने से आवाम की दुरुस्त नुमाइंदगी हो सकेगी? इलेक्शन कमीशन ने MQM के हल्का बंदियों पर एतराज़ को कोई लिफ्ट नहीं कराई और ये वाज़े किया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 10 के तहत लोकल काउंसिल्स की तादाद मुहैया करना ये सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। सिंध हुकूमत ने लोकल काउंसिल्स की तादाद इलेक्शन कमीशन को फराहम की और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसी तादाद के मुताबिक हल्का बंदियाँ करने का पाबंद था, हमने किया और शफाफ अंदाज में हल्का बंदियाँ की गई। इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम गलत और कानून के मनाफी हैं, ये कहना था इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का। यानी अब नाजरीन, हल्का बंदियों के सही या गलत होने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी पर बनती है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस एतराज़ को ठीक तस्लीम करके MQM के साथ हो गई थी? नाजरीन, दूसरी तरफ देखें तो पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, KP के असम्बली तोड़ने की तैयारी हो रही है। मंगल को ऐलान हुआ है, वहाँ के वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि मंगल को वो असम्बली वहाँ पर तहलील कर देंगे और तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असम्बली से तो पहले ही इस्तीफे दे चुकी है लेकिन मंजूर नहीं हो रहे हैं। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा इस वक्त इलेक्शन मूड में जाता नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि हुकूमत सिर्फ दो सूबों में इलेक्शन करवाती है या आम इंतखाबात का बिगल बजेगा। वफाकी हुकूमत तो जो अब तक नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लंदन से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी पर वाज़े कर दिया है कि हुकूमत किसी सूरत आम इंतखाबात कराने के लिए ब्लैकमेल नहीं होंगे। उनका मानना है कि दोनों सूबों में तैयारी से इलेक्शन कराएँ। पंजाब में जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी, लेकिन यहाँ इमरान खान का ये मानना है कि अगर पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट कम किया गया तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। उधर कप्तान पंजाब के बाद वफाक पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का टेस्ट लेने की बातें हो रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को एतमाद का वोट लेना पड़ता है तो क्या वो अपनी तादाद पूरी कर पाएंगे, क्योंकि चंद वोटों पर खड़ी हुकूमत को इत्तेहादियों को भी मनाने के चैलेंज का सामना हो सकता है। MQM इस हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे? कल तक वो कह रहे थे कि हम तो अलहदा भी हो सकते हैं वफाक में इस हुकूमत के इत्तेहाद से। मुल्क के मौशी हालात भी हुकूमत के फेवर में नहीं हैं। तो नाजरीन, शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ये खुशखबरी तो है कि MQM ने फ़िलहाल हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ MQM बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट कर रही है और दूसरी तरफ मुतालबात मंजूर ना होने के बावजूद हुकूमत के साथ चलने पर भी राज़ी है, जिससे MQM का सपोर्टर तो कन्फ्यूज़ है ही, आम पाकिस्तानी भी MQM की पॉलिसी के तजाद को समझने से कासिर है। क्या MQM को हुकूमत से अलग होने की इजाज़त नहीं मिली या वाकई ही मुल्क के मौजूदा मौशी हालात को देख कर ये फ़ैसला किया गया है? क्या इलेक्शन के बायकॉट के बावजूद MQM को कराची में कुछ हिस्सा मिल सकता है? क्या इलेक्शन बायकॉट करना MQM पर भारी पड़ सकता है? वोटर्स क्या मायूस हो सकते हैं? देखना ये भी है कि सारी ही सूरत हाल का आखिर फ़ायदा
किसको होता है? एमक्यूएम की तरफ से मैदान खुला छोड़ने पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी आमने सामने हैं। बलदियाती इंतखाबात का असल मकसद तो यही है कि आवाम के जो मसाइल हैं ये घर की दहलीज पर हल हों, तो क्या मौजूदा बलदियाती निज़ाम इस काबिल है कि शहरियों के मसाइल हल हो सकें? मैं बात करूँगी मुझे एम क्यू एम के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर, वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फरोग साहब आपका। फरोग साहब, रात गए आप लोगों ने, एमक्यूएम ने ऐलान किया कि बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला आज कराची और हैदराबाद में हुआ, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए मैदान खुला छोड़ना ये एक सेंसिबल मूव थी, ये दुरुस्त फैसला है एमक्यूएम का? वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच। जी शाजिया साहिबा, ये बिल्कुल सही फैसला है और अभी आज का जो इलेक्शन हुआ है और स्पेशली वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि हिस्टोरिकली एमक्यूएम पाकिस्तान जहां जीतती रही है बड़ी तादाद में, तो आप ये देखें कि बराए इनाम वोटर टर्न आउट है, हार्डली कोई वोटर टर्न आउट है। जहां हज़ारों के यूसीज में वोट कास्ट किए जाते थे, कहीं 10 पढ़ रहे हैं, कहीं 15 पढ़ रहे हैं, कहीं 100 पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बात है। और कराची की जो मैंडेट आज भी इससे साबित हो गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान के ही पास है और किसी के पास नहीं है। अब इसमें जो दूसरी हमारे भाई हैं, जो दूसरी पार्टीज़ थीं जो कराची का मैंडेट क्लेम करती हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जमात इस्लामी वाले हैं, देखें अगर वो कराची के साथ सिंसियर होते या थोड़ा सा फहम इस्तेमाल करते तो कराची की डीलिमिटेशन सही कराते पहले। क्योंकि होना यह था कि चाहे इसमें एमक्यूएम जीते, पीटीआई जीते, जमात इस्लामी जीते, पीपल्स पार्टी ने सारी जेरीमेंटरिंग इस तरह की है कि जो वो इलाके हैं हिस्टोरिकली जहां शहरी सिंध की आबादी है तो वहां की यूसीज हैं कम, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूसीज हैं कम, और वो मज़ाफाती इलाके जहाँ पे हिस्टोरिकली शहरी लोगों की आबादी नहीं है तो वहाँ कम पॉपुलेशन पे ज़्यादा यूसीज बनाई हुई हैं। एक एक यूसी का एक वोट है मेयरशिप के लिए, तो यानी अब जैसे औरंगी टाउन है, वहाँ की पॉपुलेशन अगर 90 या 95,000 है और कोई ऐसा एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 है, 25,000 है, तो वहाँ की यूसी एक बना दी है 20-25,000 पे, जहाँ पीपल्स पार्टी समझती है उनका वोट बैंक है, और जहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट बैंक होना है वहाँ एक यूसी 90,000 पे बना दी। यानी लेकिन फरोख साहब, एक चीज समझ में नहीं आती ना कि जब इलेक्शन सर पर होते हैं, इलेक्शन का वक्त नजदीक होता है तब भी इश्यूज खड़े होते हैं, कोई इलेक्शन अचानक सर पर नहीं आ जाते हैं, पता होता है कि इंतखाबात कब होने हैं, बलदियाती इंतखाबात कब होने हैं, आम इंतखाबात का वक्त कब है, ये काम तो वक्त से पहले होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एमक्यूएम इस पर हल्का बंदियों पर एतराज सवालात उठाती रही है, लेकिन एक तरफ आप इन्हीं लोगों से विफाक में इत्तेहाद करके भी बैठे हुए हैं, यहाँ सूबे में तजाद हैं आप लोगों को, तो एक कन्फ्यूजन सी अजीब सी पैदा हो जाती है, तजाद पैदा हो जाता है कि मसाइल उन लोगों के साथ जिनके साथ आप लोगों का इत्तेहाद है विफाक में, ये मसाइल पहले हल क्यों नहीं हुए? आपका बहुत ही उम्दा सवाल है कि ये आखिरी वक्त पे पॉइंट क्यों उठाया गया है, और ये बाकायदा एक सोची समझी स्कीम के तहत ये बात बताई जा रही है आवाम को, मीडिया से गलत बात बताई जा रही है कि एमक्यूएम उसको इस इशू को आखिरी वक्त उठा रही है। एमक्यूएम एक साल से अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में ये अपना मुकदमा लड़ रही है। देखिए 31/12/2022 ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 31/12/2021 वो डेट है जब ये इलीगल अनलॉफुल हल्का बंदियां हुई थी। उसके बाद से एक साल 85 केस एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में फाइल किए, हाई कोर्ट में फाइल किए, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए,
और ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बात का मैं जवाब आपको देता हूँ कि हम क्यों बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं और हमारा मुआहिदा पीपल्स पार्टी से क्या हुआ था, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। आर्टिकल 218(3) है जो ये कहता है जस्टली फेयरली ऑनेस्टली ऑर्गेनाइज करेगी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। और एक जो बड़ा मुरव्वज प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जेरीमैंडरिंग नहीं होगी मुनसिफाना इलेक्शन के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बसद एहतराम विद द हाइस्ट रिस्पेक्ट, क्योंकि अब ये उनके ऑर्डर्स भी पब्लिक डोमेन में है, अगर उनको इतनी बड़ी जेरीमैंडरिंग नज़र नहीं आ रही और उस पर वो कोई ऑर्डर पास करना नहीं चाहते, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। और ये आज राणा सनाउल्ला ने भी यही बात की है और लोग ये बात कर रहे हैं, तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट विद हाईएस्ट रिस्पेक्ट, हमें बड़ी उम्मीद थी चेयरमैन साहब से, चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अगर आपके साथी नहीं मान रहे थे तो आप तो डिसेंट देते। और क्या ऐसी वजह थी, क्योंकि अगर औरंगी टाउन की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पचासियों ऐसी एग्जाम्पल है, ये पीपल्स पार्टी के सारे लोग सईद गनी साहब हैं, शर्जील मेमन है, शाह साहब हैं, वो सारे मुराद अली शाह भी इस सारे हमारे साथ बैठ के ये एग्री करके गए कि कम से कम 60-70 यूसीज ऐसी हैं जो कि ज्यादा होनी चाहिए आप लोगों की, उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने लिख के हमसे मुआहिदा किया है कि हम डीलिमिटेशन ठीक करेंगे। अब लिख के ही मुआहिदा होता है और क्या होता है? अब वो सारे गारंटर्स कहाँ हैं? किधर है शहबाज शरीफ, किधर है मौलाना फजल रहमान, किधर है ख्वाजा आसिफ, किधर है ख्वाजा साद रफीक? लेकिन एक और चीज़ समझ में नहीं आती ना कि इस्लामाबाद में भी तो बल्दियाती इलेक्शन होने थे, वहाँ इलेक्शन कमीशन की चलती नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहता है कि हर सूरत इलेक्शन होंगे, ना सिक्योरिटी खदशात को मानते हैं, ना आप लोगों के मुतालबात को मानते हैं, तो ये भी तो एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि दो सूबों के लिए ये चीज़ें मुख्तलिफ क्यों हैं, दो एक विफाक के लिए मुख्तलिफ क्यों है, मतलब कि सिंध में आप लोग करवा सकते हैं लेकिन आप विफाक में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा सकते? अब मुझे ये बताइए कि ये पॉइंट मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? मेरा एक बहुत ही सवाल मीडिया से है, इतने माशाल्लाह मीडिया में आपने तो फिर इसको शाजिया साहिबा उठाया है, लेकिन बाकी तमाम जो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं मीडिया में, उन्होंने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि इतनी बड़ी जेरीमैंडरिंग, ये कराची जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान का, जो कि 95-98% रेवेन्यू जनरेट करता है सिंध का, उसके लोगों को इतना हक नहीं है कि अपना मेयर इलेक्ट कर ले? क्या क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन आई एम अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है। दूसरा क्वेश्चन मार्क उन गारंटर्स पे है जिन्होंने हमें गारंटी दी थी, और वो कौन गारंटर्स हैं? शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राणा सनाउल्ला, फजलुर रहमान, ये कहाँ हैं आपकी? यानी कानून ये है कि अगर जो गारंटर्स हैं वो अगर किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अगर जो गारंटी जो है वो पूरी नहीं होती तो गारंटर्स की प्रॉपर्टी फॉरफिट होती है। तो ये जो गारंटर्स हैं ये इनका काम था, इन्होंने क्यों नहीं इंश्योर किया? नंबर वन। नंबर टू, फिर पीपल्स पार्टी, आप आई थिंक ये पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा गलत फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने ये एक फैसला नासमझी का कर दिया कि उन्होंने हमेशा के लिए अर्बन सेंस से अपनी अपना हर किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता था, कोई रेप्रोशमा हो सकता था, उस सारा का सारा उसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो भी ख़त्म कर दी। लेकिन अगेन मैं पूछता हूँ कि मीडिया कहाँ थी? एक जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, उसने क्यों नहीं ये पॉइंट्स रेज किए? अच्छा, अब हुआ क्या है, अब ये जैसे तैसे इलेक्शन हो गए, यहाँ टर्नआउट देख लें क्या है काम। अब जमात इस्लामी और पीटीआई पे बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ गया है। कराची के लोग ये कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं ये जेरीमैंडरिंग ठीक करवाई, क्यों नहीं डिलिमिटेशन ठीक करवाई? अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अंदरून खाना जमात इस्लामी और पीटीआई पीपल्स पार्टी से मिली हुई थी, या ना समझ है, या वो ये समझते हैं कि हाँ देखो ये चांस है एमक्यूएम को गिराने का, हम गिरा दें। पीपल्स पार्टी कहीं हाथ तो नहीं कर गई आप लोगों के साथ?
नहीं, हमारे साथ हाथ किसी ने नहीं किया. हमने तो देखिए अवाम को ये दिखा दिया कि हमने पूरी कोशिश की कि कराची की डिलिमिटेशन हम ठीक करवाएं. हम सेंस कर गए कि कराची का मसला इलेक्शन जीतना नहीं है, कराची का मसला यहाँ की डिलिमिटेशन ठीक करवाना है. इलेक्शन आता है बाद में. तो पीपल्स पार्टी ने जो किया वो तो अपनी जगह किया, लेकिन जो बाकी जो दो पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, वो ये एक्सपोज हो गई है कि या तो वो नासमझ हैं, या बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, या वो इस पूरे इलेक्टोरल फ्रॉड को फेस नहीं कर सकते. ना उनके पास कोई सेंस है. जिस तरह मैंने खुद नईमुर रहमान साहब से सुप्रीम कोर्ट में कहा था, देखिए आप जिद नहीं कीजिए, आप ये समझिए, अब ये जेरीमेंडरिंग इसको ठीक करवाइए. नहीं नहीं तो ऐसी सूरत में फिर आम इलेक्शंस का, जनरल इंतखाबात का, उसका भी बायकॉट करेंगे आप लोग अगर ये ऐसे ही चलता है? नहीं देखिए बात ये, हर चीज का प्रोसेस होता है, फेज होता है, एवोल्यूशन होता है. हमने आज पाकिस्तान को, पूरे कराची को, हैदराबाद को, अरबन सिंह को, पूरे पाकिस्तान को, अदालत को, इदारों को, सबको दिखा दिया, बता दिया कि आज भी मैंडेट एमक्यूएम पाकिस्तान का है नंबर वन. जितना लो टर्न आउट हुआ है, आपको पता है टर्न आउट कितना है? 2%, 3%, 5%. जो मेन सेंट्रल है, जहां सबसे बड़ा, समझिए कि अर्बन सिंध का जो गढ़ है, मेरे ख्याल में 3% या 4% वहाँ का टर्नआउट है. कहीं और जो है वह 5% टर्नआउट है. यानी इतने बड़े, आप समझिए, शहर कराची की पॉपुलेशन 3.25 करोड़ है. सेंसस गलत हुआ, कौन अदालत में गई? एमक्यूएम पाकिस्तान. 140A का मसला हुआ, कौन अदालत गई? एमक्यूएम पाकिस्तान. तो वही ना, इस बात की क्या श्योरिटी है कि आम इंतखाबात से पहले डीलिमिटेशन का मसला जो है वो हल हो जाएगा, या आप दोबारा बायकॉट की तरफ जाएंगे? कैसे आप इसको इंश्योर करेंगे? अब देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, लेकिन कम से कम ये बात एमक्यूएम पाकिस्तान ने साबित कर दी कि उसने पूरी अवाम को के सामने ये इलेक्टोरल फ्रॉड सामने रख दिया है, सबकी आगही कर दी. लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इतना बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड है और मीडिया खामोश है? मीडिया क्यों खामोश है? मैं मीडिया से पूछता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एनालिसिस करते हैं, क्यों नहीं इस पर रोजाना प्रोग्राम हुए? क्यों नहीं लोगों ने, सहाफियों ने आके, क्यों क्यों कराची से आपको कोई लव लॉस नहीं है, या क्या इशू है? मतलब हम आपके नहीं है क्या? मीडिया वालों से मैं सवाल करता हूँ. मतलब मेन इसमें अगर मीडिया उसी तरह आगही करता, इतने बड़े बड़े चैनल है, मैं नाम लेके कहता हूँ, जियो है, ARY है, 92 है, समा है, कहाँ गई? कहाँ मीडिया तो अभी इसी चक्कर से बाहर नहीं निकल रहा कि जो कल तक एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते थे, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे, कत्लो गारत के इल्जाम लगाते थे, मीडिया तो इस चक्कर में अभी चक्कर आ रहा है कि आप लोग दोबारा से इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, किसके कहने पे आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं? कल जो कहते थे वो ठीक था, आज जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम तो इसी चक्कर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. ये किसी ने आपको गलत बताया, मैं आपको ये उसी तरह ही रेलेवेंट नहीं है. मैं क्यों, मुझे याद आया वो एक हमारे टीचर थे, माशाल्लाह थोड़ा सा उनका दिमाग ऑफ था, तो उन्होंने एक सवाल किया कि एक ट्रेन आ रही है बहुत जोर से, तेज चल रही है, आप ये और उसका जो ट्रैक है, उसका 10 फुट का ट्रैक है, तो बेटा आप बताइए मेरे कुत्ते की एज क्या है? वो रेलेवेंट नहीं है भाई. मैं इधर कराची डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, उसका क्या ताल्लुक के? लेकिन आप भी तो मीडिया के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम इस पर सवाल नहीं पूछ सकते कि आप लोग कैसे इकट्ठे हुए? मैं दे देता हूँ आपको जवाब सर आंखों पे आपके सवाल. मैं आपको ये सामने अगर रखूं कि क्या अगर कोई एक पार्टी रियलाइज करे कि नहीं, मिल के हम एफर्ट करेंगे, सारी उंगलियां अगर एक तरफ होंगी तो ये एक जोरदार एक फिस्ट बनती है ताकतवर. और मैं आपको बताऊं कि ये इतनी एनालिसिस आपके सामने पेश करते हैं लोग आपको कि जी फारूक सत्तार का इतना वोट, खालिद भाई का इतना वोट, मुस्तफ़ा कमाल का इतना वोट, तब भी अगर आप कैलकुलेट करें तो इतना नहीं बनता. लेकिन उसका जवाब है, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ, पल्स मेरे हाथ में है, हर आदमी से इंटरेक्शन है, वो हमें लोग आके ये कहते हैं कि फरोग भाई हम घर में बैठे हुए हैं, जब आप लोग तीनों यूनाइट हो जाएंगे, स्पेशली खालिद भाई और मुस्तफ़ा कमाल, तब हम आपको वोट देंगे. और इसका एमक्यूएम लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है. इन तीन का आपस में आना नागुजीर था, क्योंकि वो एक स्नोबॉल इफेक्ट जो होना था. आप अगर ये इस वक्त डिलिमिटेशन ठीक होती,
ये बड़ा सही फैसला किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि वो हट गए। उनका चलो ठीक है यार, हम ठीक है, हम नहीं करते, हमने तो पूरी कोशिश कर दी, कराची वालों को दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो सिंसियर जमात है हरमन सिंह के साथ या पूरे सिंध के साथ या पूरे पाकिस्तान के साथ, वो एमक्यूएम पाकिस्तान। ठीक है फरोख साहब, मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आकर आपने हमें बताना है कि क्या एमक्यूएम की विफाक में हुकूमत से अलहदगी भी हो सकती है, इस पर सवाल करती हूँ मैं। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फरोख नसीम साहब हमारे साथ हैं। फरोख साहब, क्या विफाक में कोई अलहदगी के अभी भी है आप लोगों की, कि अलहदगी हो सकती है अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने गए तो? देखिए बात ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। वफाकी हुकूमत से अलहदगी हमेशा हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस नहज पे हमने लेके जाना है कि IMF का प्रेशर है, साथ साथ इकॉनमी का थ्रेट है कि इकोनॉमिक डिफॉल्ट ना हो जाए। बात यह है कि हम वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने यह मुल्क बनाया है, हम अपना नुकसान तो कर लेंगे लेकिन इस मुल्क पर हरफ नहीं आने देंगे। बट एट द सेम टाइम अगर हमने ये फैसला किया कि हमने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया, ये भी इस मुल्क के एवोल्यूशन के इंटरेस्ट में था, लोगों को दिखाना था कि इस तरह की इलेक्टोरल फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ये कह देना ये बड़ा आसान है, क्या इतने देर से आप क्यों आए। अब आप ये देखिए कि जून में जब ये सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने हमसे कहा आप देर से आए। देखिए इसका इलेक्शन तो 7 महीने बाद हो रहा था। विद ड्यू रिस्पेक्ट एट माय कमांड, बहुत अच्छे हजरात हैं जज साहिबान जिन्होंने ये फैसला किया, लेकिन देखें ऐसे फैसले मौजूद थे और हैं कि अगर कोई इस किस्म का, इस मैग्नीट्यूड का इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है तो डिले मीन्स नथिंग। हमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीदर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक पैर रखने की जगह दिया, अच्छा जी ठीक है आप दोबारा से एप्लीकेशन दें, एक तरह से रिमांड की प्रोसीडिंग्स को, और हमने वही किया। 6 महीने से हम शोर मचा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ कि आप 10-1 का नोटिफिकेशन करें, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन जाके ये नोटिफिकेशन किया। ठीक है फरोख साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक इल्जाम लग रहा है कि एमक्यूएम के जो नाराज धड़े इकट्ठे हुए हैं इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों को इकट्ठा किया, क्या कहेंगे इस पे? मेरा नहीं ख्याल कि को धड़े जो हैं उनको यूनाइट करने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या नहीं है। ये देखें हर किस्म की, हर आदमी के पास कंस्पिरेसी थ्योरी को लॉन्च करने का पूरा राइट है और हम उस राइट का एहतराम करते हैं, लेकिन उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम ये यहाँ बैठे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान कि एमक्यूएम एक साथ होती है या एक साथ नहीं होती। हाँ, जो इस्टेब्लिशमेंट ये ज़रूर चाहती है, सब पार्टियों से चाहती है कि मिलिटेंसी ना हो, कोई गलत क्रिमिनलिटी ना हो, और ये जो आज की एमक्यूएम है, कम से कम पिछले 5-6 साल से 7 साल से जो एमक्यूएम है, इससे ज़्यादा समझिए के नॉन क्रिमिनल और कानून को अबाइड करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी और नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई एक है तो ये वाली एमक्यूएम है, खालिद भाई वाली। और हमारे लिए एक बड़ा क्लैरिटी से हमने फैसला किया हुआ है कि कुछ भी होगा हम आईन और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के हिसाब से हमेशा अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे, और कोई ऐसा अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट होगा तो उसकी हम उसको अपनी सफ़ों से निकालेंगे, अलग करेंगे। और यही वजह है कि ना एस्टेब्लिशमेंट हमसे नाराज है, ना इदारे नाराज हैं, ना लॉ एनफोर्समेंट। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी एमक्यूएम को कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम को जहां कहे आप लोग शामिल हो जाते हैं, जहां कहें आप लोग छोड़ देते हैं, जिस इत्तेहाद में डालें डल जाते हैं, जिस इत्तेहाद से निकलने के लिए कहें एमक्यूएम को, एमक्यूएम निकल जाती है। और जो तहरीक इंसाफ का आप लोगों ने इत्तेहाद छोड़ा था वो भी यही कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर छोड़ा आप लोगों ने। आई एम ग्रेटफुल शाहजी आपने मुझसे सवाल कर लिया। देखें हुआ ये था कि हमने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा था, हुआ ये था कि जब हमारे पास ये न्यूज़ आई कि कम से कम 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको
तहरीके इंसाफ ने खुद लोटा कहा, और उन लोगों ने जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत को जोल्ट लगाया और उस वक्त जो सिचुएशन थी, ग्राउंड रियलिटी थी, वो यही थी, और सेंस यही कहता था कि अब जो हुकूमत आएगी शायद हम उससे कराची वालों के राइट्स ले लेंगे, उनसे हम बातें मनवा लेंगे इतनी सारी जो इमरान खान साहब ने या उनकी पीटीआई ने हमारी उस तरह यानी कराची वालों की पजीराई नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। हम ये समझ रहे थे कि आपके पास 2018 में जिस तरह भी आपके पास मैंडेट आया, हम उस पर बात नहीं कर रहे, छोड़िए उसे, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। वो एमकेएम के दूसरे लोग हैं, वो भी बात करेंगे, मैं भी कर दूंगा अगर कोई बिल्कुल ऐसी बात आ गई। 14 सीटें आपके पास थी, इतना स्ट्रांग होल्ड, 14 सीटें अगर कहीं आपके पास हैं कहीं से किसी शहर से, आप ईमान को सामने रखते हुए ये बताइए कि आपने कराची वालों के लिए क्या किया, उन 14 सीटों में क्या चीज ट्रांसलेट हुई। अगर मैं किसी भी अपने पीटीआई के दोस्त से पूछूं तो मुझे जवाब नहीं मिलता उसका, बल्कि कहीं कहीं एडमिशन मिल जाता है, हाँ जी हाँ ठीक है, इमरान खान साहब खुद उन्होंने कहा कि मैं इतना फोकस नहीं कर सका कराची पे। अच्छा, अब वो मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये मैंने पीटीआई वालों से भी कहा, जमात इस्लामी वालों से कहा, देखिए आप कराची की पार्टी हैं, ये हम एमक्यूएम का मुकदमा नहीं लड़ रहे, हम कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, हैदराबाद का मुकदमा लड़ रहे हैं कि यहाँ की डीलिमिटेशन को सही करवा दीजिए, हमारे साथ मिलकर सही करवा दीजिए और फिर बाद में आप इलेक्शन जीत जाइए, हम खुश होंगे। लेकिन नहीं, क्या क्या रमज था, क्या उनके जहन में बात थी, 3 साल वजीर रहे हैं, बड़ी आम वजारत थी आपके पास, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं की ये बातें कि फरोग नसीम की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, खासकर जस्टिस काजी फायज ईसा के केस की मिसाल देते हैं कि आप ही मजबूर करते थे इमरान खान को, आप ही इसरार करते थे, आपकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है पीटीआई के लोगों की बातें। फरोग साहब, देखिए सारा गलत इल्ज़ाम वो लगाते हैं और बहुत आसानी से कोई भी कुछ कह दे, किसी की ज़बान पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड कुछ और कहता है। मैं एक्चुअली वो जस्टिस फायज ईसा के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, सिवाय इसके द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, उसके अंदर इमरान खान साहब की भी सिग्नेचर है, आरिफ अलवी साहब की भी सिग्नेचर है, जो डिस्कशन हुआ उस पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, लिहाजा जो भी बात हुई अपनी जगह पे हुई, क्या मटेरियल था क्या मटेरियल नहीं था उस पर भी मैं कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता। तो अब बात तो यहाँ कराची की डीलिमिटेशन की हो रही है, इससे जस्टिस फायज ईसा का क्या ताल्लुक है? तो ये कराची की डीलिमिटेशन मुझे आप बताइए कि क्यों नहीं मीडिया ने आवाज़ उठाई इस पे? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कसूरवार है विथ हाईएस्ट रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में मीडिया भी बराबर की इसमें शरीक है कसूर में। एमक्यूएम ने तो अब तक पूरा काम कर दिया, एक साल से इसकी जंग लड़ी, आवाज उठाई, हर किस्म का केस फाइल किया, वो तो अल्लाह के हाथ में कामयाबी किसी भी चीज की। ठीक है फरोख साहब, क्या एमक्यूएम ये समझती है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त पे आम इंतखाबात होने चाहिए? पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी, केपीके असम्बली तहलील होने जा रही है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि इन दोनों सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन पूरे मुल्क में एक वक्त पे इंतखाबात नहीं होंगे, ना ही हम कराएंगे। एमक्यूएम भी यही समझती है कि पूरे मुल्क में एक वक्त पे इंतखाब होने चाहिए? ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन आपने कर डाला मुझसे, और मैं तो ये समझता था कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, आप मेरी खैर ख्वाह हैं। इस किस्म का सवाल आइदर वे मैं जवाब दूँ, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गिव एनी रिप्लाई टू दिस, सिवाय इसके कि अभी हमने इस पे कोई डिस्कशन एमक्यूएम ने नहीं लगता किया। जब तक इत्तेहाद में है, आप लोग जरा अवॉइड ही कर रहे हैं इस तरह के जवाब देने से। इसकी वजह यह है ना कि देखें, हम तो मासूमियत में और एनालिसिस में आपके सामने कोई जवाब पेश कर दें, ओ जनाब मीडिया उसको उठा लेगी, बकौल हमारे एक दोस्त के जो डॉन में लिखते हैं कि जनाब वो जरा सा मसाला हमें लगाना होता है, चाहे हम न्यूज़ को ट्विस्ट भी कर दें। बहुत शुक्रिया एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर बैरिस्टर फरोग नसीम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, एम क्यू एम ने रात गए ऐलान किया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आज जो कराची हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात हुए, एक जेन्युइन मसला डीलिमिटेशंस को लेकर, जिसको बाद में पीपल्स पार्टी ने भी कहा, वो उन्होंने भी कहा कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के लिए वहाँ की हुकूमत, वफाकी हुकूमत इनकार कर देती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि इलेक्शंस होने चाहिए, और कराची में जो एक जेन्युइन मसला एमक्यूएम 2021 से लेकर फिर रही है, अदालतों में भी जा रही है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं और वहाँ इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं एक पार्टी के बगैर। अच्छा, ये यही इलेक्शन कमीशनर कमीशन है जो एक तर्ज अमल अख्तियार करता है इस्लामाबाद में और दूसरा तर्ज अमल अख्तियार करता है कराची में। इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि इस्लामाबाद में क्यों नहीं करा रहा है और कराची में इलेक्शन क्यों करवा रहा है। ये सब बंदियां हो जाती हैं और एमकेएम ने बायकॉट किया। मैं समझता हूं कि उसे बायकॉट नहीं करना चाहिए था। एमकेएम ने अपना स्पेस छोड़ा, एमकेएम ने 2002 के बलदियाती इंतखाबात में अपना स्पेस छोड़ दिया था और जिसकी वजह से नेमतुल्ला खान एडवोकेट को मिला था। जमात इस्लामी को उससे पहले 1979 में और 1983 में जनरल जियाउल हक ने अपनी खसूसी मेहरबानी से इलेक्शन जितवाया था और जीते नहीं थे वो तमाम पार्टी को मिलाकर उसके बाद पीपल्स पार्टी के 3 वोट कैंसिल करवा के मेयर लाया गया था। डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का था और बिल्कुल ऐसा ही हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में वसीम अजहर नदवी को लाया गया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जो है हरवाया गया और डिप्टी मेयर वहां भी पीपल्स पार्टी का, दोनों बार 1979 में भी और 1984 में भी, दोनों बार जनरल जियाउल हक ने यहाँ पीपल्स पार्टी का मेयर रोका और जमात इस्लामी का मेयर लाए और उसके बाद डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का रहा। अगर 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 एमक्यूएम बायकॉट नहीं करती तो ये डीलिमिटेशंस का जो मसला है, जो उनको पहले खदशात थे, तो रिजल्ट तो फिर वही आना था जो ना पार्टिसिपेट करके, वो कुछ भी तो नहीं मिल रहा उनको। नहीं, मैंने कह रहा, मैं अगर उन्होंने बायकॉट किया है तो उन्हें क्या हासिल हुआ है? वो एक तो ये कि मैदान से बाहर रह गए। जमात इस्लामी ने 2-3 बार बायकॉट किया और उसका नतीजा नहीं मिला। 2002 के इलेक्शन में जब जनरल इलेक्शन थे तो जमात इस्लामी ने और JUI ने मिलकर 6 सीटें कराची की हासिल की थी और एमक्यूएम को हरा कर हासिल की, और उसके बाद फिर अगला इलेक्शन जब हुआ तो इन्होंने बायकॉट कर दिया जमात इस्लामी ने और JUI तो खैर यहाँ कैंडिडेट खड़े कर रही थी लेकिन जीती नहीं थी, और फिर वो उनका इत्तेहाद भी टूट गया था MMA, और उसके बाद जो है जमात इस्लामी ने 1 सीट भी हासिल की थी और उसके बाद से अब तक जमात इस्लामी को असेंबली में 1 सीट भी नहीं मिली, क्योंकि हर बार वो बायकॉट कर देती है और इलेक्शन को छोड़ देती है। और नहीं तो ये मसला तो फिर अगर आम इंतखाबात में भी ऐसे रहेगा तो क्या ऐसे ही बायकॉट होगा? फिर वो इंतखाबात कौन एक्सेप्ट करेगा? फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करना ना करना ये तो मासूस का है ना। अगर लोगों को नहीं है ये कबूल, लोग बाहर आए। यहाँ तो 2 तरह की चीजें चल रही ना, एक लंदन से वो आ गया, वीडियो आ गया कि जनाब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, मैं एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर ये सब बात कर रहा हूँ और नहीं जाना माँ बाप को नहीं जाने देना, इलेक्शन ये आया वहां से और यहाँ फिर इन्होंने भी बायकॉट कर दिया। नतीजे जो निकलना था वो ये हुआ कि पोलिंग नहीं हुई, लोग नहीं आए और लोग मुतमइन हो गए कि जनाब अब तो हम जीत ही जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी यही समझ रही थी, PTI भी यही समझ रही थी और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी भी नहीं थी। आपने देखा है क्या टर्नआउट कितना था? बहुत कम था। दिखाया जाए अगर कि जनाब 30% था, 40% था, पर कुछ भी नहीं था, ये 13-14% टर्नआउट था, पता नहीं इसको दिखाया कितना जाता है। आपको लगता है कि जो ये एमक्यूएम का इत्तेहाद बना है, एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे हुए हैं, इसको एमक्यूएम लंदन की आशीर्वाद हासिल है, वहां से फैसले हो रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये लंदन के साथ नहीं चल सकते हैं और आगे भी शायद न चलें, और लेकिन एमक्यूएम लंदन वालों के पास भी कुछ तंजीम तो और मौजूद नहीं है, फिर तो उनको सामने आना पड़ेगा जो लोग यहाँ पर ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन लोग कान धरने के लिए अब भी यही देखते हैं कि वहां से क्या आवाज आ रही है, ये होता है। लेकिन ये जो धड़े इकट्ठे हुए हैं, ये तहरीके इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं दोबारा से? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जब वहां से आवाज आएगी कि नहीं निकलो तो बड़ी हद तक लोग नहीं निकलेंगे। अब PTI का कोई यहाँ पर अपना वोट बैंक नहीं है,
उसको एक जज्बाती वोट मिलता है और बहुत कम है। कराची जैसे शहर में उसका नंबर बहुत कम है और अभी नहीं। लेकिन नजीर लगारी साहब, हम जैसे और आम आवाम तो ज़ाहिर कंफ्यूज होते हैं ना कि कल जो एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे वो गलत कर रहे थे, कल झूठ था, कल सारा कुछ गलत था, या आज कर रहे हैं आज गलत है, या कल सही था या आज सही है। मैं कहता हूँ खेल में गैर सियासी मुदाखलत जब तक बंद नहीं होती है तब तक इस तरह के मसाइल चलते रहेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन बनाए जाते हैं ये भी अभी तय होना है। मैंने जो देखा है 1970 से लेकर अब तक मैंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं देखा है जो इलेक्शन हुआ हो, बल्कि वो इलेक्शन बनाए जाते हैं और वो इलेक्शन जो है नताज वताज भी तैयार कर ले जाते हैं, किसको हरवाना है किसको जितवाना है ये सब कुछ तय कर ले जाते। तो ये कसूर तो सियासी जमातों का है ना, एक किसी एक इदारे को तो कसूरवार नहीं कह सकते नजीर लगारी। नहीं, सियासी जमातों का कसूर ये है कि सियासी जमातें आदी हो गई हैं इस सूरत हाल की, जितना हमें हिस्सा मिलेगा वो हम कबूल करेंगी। लेकिन ऐसा भी है कि आबरूमंद सियासतदान आपके ख्याल है तो भी नहीं रहे, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े लोग रहे। एक फजलुल हक पाकिस्तान की करारदाद लाहौर जो है जिसने पेश की थी वो इलेक्शन जीते थम्बे मेजोरिटी से, यानी नून अपना पीएमएल को मुस्लिम लीग जो है इसको 9 सीटें मिली थी, इससे तो कांग्रेस को ज्यादा मिली थी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में। कांग्रेस ने जो है ये पाकिस्तान बनने के बाद इलेक्शन हुए, 6 साल के बाद इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने 10 सीटें ली थी और मुस्लिम लीग ने 9 सीटें ली थी और उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें ली थी, 250 से ज्यादा सीटें ली थी, जीत गया और रुका गया नहीं, तुम गद्दार हो, हम तुम्हें। नजीर लगारी साहब, पंजाब में असेंबली तहलील हो गई है, मंगल को केपीके असेंबली भी तहलील होने जा रही है, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की फजा नजर आ रही है, बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत तो चाहती है और लंदन से भी यही पैगाम आया है ये हुकूमत के लिए कि हम पूरे मुल्क में आम इंतखाबात में नहीं जाएंगे, पंजाब की तैयारी करें आप लोग। नहीं, वो तो ठीक हुआ है और इलेक्शन की तैयारी भी करनी भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन बनाने वाले अपना इलेक्शन बनाएंगे, वो जिसको चाहेंगे सूरत हाल वैसी होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब भी इस वक्त भी जो 2018 के उनके प्यारे राज दुलारे थे, जो आंखों के तारे थे, अब भी उनकी आंखों के तारे वही हैं और उन्हीं के लिए मैदान हमवार किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि वही सब कुछ दोबारा होगा 2018 वाला, लेकिन हम देखें आज भी इमरान खान जो है एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार कुछ भी कहें, इमरान खान कुछ भी कहें, उनको फतह जो है कामयाबी जो है वो पहले जिस तरह दिलवाई गई थी इसी तरह दिलवाई जाएगी और ये इनका एक मसला है और इस पर हम क्या खुलकर बात करें, ये एक आलमी एजेंडा है और उसका नतीजा आगे क्या निकलता है हमें मालूम नहीं है, हमारे मुल्क के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।